above money and stupid. This is absolutely brilliant. You know, Sona, I have to say this, aapke naam ki tarah, you're gold standard. Just dil se, matlab ek jo awaaz aapki nikalti hai, the throw, I'm not even talking about the technical aspect of singing, but just the heart that you put into every song makes it so special. And the fact ki ye gaana bhi gaati hai, aur bebaak tarike se bolti bhi hai, mujhe itna maza aata hai, because I know so many people would, you know, they would be scared to offend people. The fact that you don't makes you free, makes you the free spirit that you are. Tabhi aapne to Lal Pari Mastani apni dhoond li, aur tabhi it makes a lot of sense to say ki hum sabko dhoondna chahiye. To Fever FM mein swagat hai aapka, mere is show mein swagat hai. Super Womania is a show jo Fever FM ke sare network, sare states mein jata hai. And ye national show hai, and that's why I was so looking forward to featuring you here, because you embody the spirit. No, I just want to you know, go back a little. Young Sona jo school mein thi. Arre, abhi in... I'm 3 years old. So, hum 2 year old ki baat karte hai. So how was it? I mean, you were a handful for your parents. कि इतने सारे लोग जो अभी सुन रहे होंगे वो सोचेंगे कि यार सोना जैसे बनना तो है, ऐसे फ्रीली बोलना है, ये विचार हमारे भी है पर हम बोलने से डरते हैं, हमें तो डांट पड़ जाए अगर. What kind of childhood did you have? This free spirit, is it your parents, you know, the fact that they gave you that independence early on, or you snatched it? Snatch तो definitely किया है, लेकिन free spirit child who is bonkers is tough to handle. वो बेचारा राम को भी आज मॉर्निंग से बहुत मैंने कहा, he says it's a tough job but somebody has to do it. तो I think वो तो सिलसिला कंटिन्यू करता है, but बहुत the world belongs to the dissatisfied and the ones who are willing to grab their opportunities. मैं तो ये लड़का को भी कहूंगी, लड़की को भी कहूंगी, आप बैठे रहो और सोचो और कोई आपके लिए लड्डू बनाएगा तो आप बैठे ही रहना. कभी कभी कुछ प्रिविलेज लोग होते हैं जिनको बहुत कुछ मिल जाता है आसानी से, बट उसका भी मैं बता सकती हूँ, उसको बैठ के आप ईर्षा मत करो, डू नॉट फील जेलस, क्योंकि वो लोग बोर भी बहुत रहते हैं, उनको जो मजा है ना कुछ चीज अपने आप करके लेने में वो नहीं मिलता है. मैं तो बोलती हूँ अपने मेरी नीस है, वो अभी कॉलेज गई है मेलबर्न यूएस में, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में. उसके पेरेंट्स पता नहीं कि उसको बिजनेस क्लास में भेज रहे हैं. मैंने कहा हम लोग जब पहले फ्लाइट में ही चढ़े हमको लगा अभी नौकरी की, फ्लाइट के टिकट मिल रहे हैं. ना तो ट्रेन में जाते थे, पापा तो एसी भी नहीं देते थे, और जब एसी का फ्री मिलता था गवर्नमेंट से वो भी नहीं देते थे. सेकेंड क्लास में जाओ सड़ो, यू नो लर्न टू, वो तो कुछ ज्यादा ही था. फिर फ्लाइट में डाला गया, और जब हम अपना एक स्टेज पे पहुंचे कि मैं यू नो आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग बिजनेस क्लास एंड फर्स्ट क्लास, आई फील अभी भी बच्चों की तरह जो एक्साइटमेंट रहती है, क्योंकि मुझे पता था प्रीवियस क्या था और अभी क्या है. चॉकलेट मिल रहा है खा लो, मोटी हो जाओ तो who cares, चॉकलेट मिल रहा है गुडावा खा लो, छोड़ो मत. वो अभी भी, बट जो एक्साइटमेंट और मजा होता है ना वो चेहरे में भी नजर आता है. देयर इज अ एक्साइटमेंट टुवर्ड्स मेकिंग योर ओन, फाइंडिंग योर ओन, अपना करो और अपना जीतो. उसमें एक अलग मजा है, आपको कोई फ्री में दे ही दे रहा है कुछ खाने पीने के लिए तो आफ्टर अ पॉइंट आप बोर होके बैठ ही जाओगे. तो आई थिंक ये जर्नी में जितना मजा है, जिस फाइनल सिर्फ रिवॉर्ड में नहीं है. वो बड़ी बात शायद बहुत कुछ ज्यादा ही सीरियस बात कह रही हूँ, बट ऑनेस्टली आज के जमाने में म्यूजिक में, अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में आप हो, आपको लगेगा अगर आप 100 मिलियन का एक बैनर लेके खड़ा ना हो जाओ ना, मेरे गानों को इतने मिलियन मिला, सबको लगता है वो सबसे अल्टीमेट अचीवमेंट है. लेकिन अब पैंडेमिक में समझ भी आ गया है कि लोग पैसे डाल के वो नंबर डाल रहे हैं, उस नंबर का क्या फायदा जो जेन्युइनली आया ही नहीं है. तो मुझे लगता है मेरे कभी 100 मिलियन वाले प्लेकार्ड्स नजर नहीं आएंगे, लेकिन एफ नैना बोले रे करारे चट खा रे, कभी हमर गली में आके जा रे, खाए जो बन गजब है चुको रे, जरा तू भी तो नजर दोहरा रे, हाय 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 हाय. हब दर्दी राजा जरा पास तो आजा, रमत फूल झड़ी हूँ के माचिस तू जला जा. गाना 11 साल पुराना है और मैंने आज भी बेदर्दी राजा वाला ही साड़ी पहना है. और वो जो वीडियो था मैंने खुद ही विजुलाइज किया था कि साड़ी पहनूंगी, बेस गिटार बजाऊंगी, फूल और चोटी, देसी स्कूल यार,
हम लोगों को क्यों लगता है कि हम बियॉन्से बने या और किसी की तरह नजर आए कूल बनने के लिए, वो अलग कल्चर है. मैं हमेशा साड़ी नहीं पहनती हूँ, मैं मिक्स एंड मैच पहनती हूँ, लेकिन साड़ी और बिंदी और सलवार कमीज अभी भी हमारे यहाँ पे कॉस्ट्यूम नहीं कहलाता है. और ये बहुत गर्व की बात है कि द इंडियन सिविलाइजेशन जो है, हमारी जो आइडेंटिटी है वो इतनी पावरफुल है कि अगर हम पॉपुलर कल्चर में उसको भूल जाएं, वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा. हम लोग कोरिया या और किसी की तरह बन जाएंगे जहाँ पे सिर्फ, बहुत सारे ऐसे खुलासा कर रही हूँ अभी आपके शो में. उसी का मजा है. ओके फाइनली अ वर्ड ऑफ एडवाइस टू 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 यंग गर्ल्स जो अभी स्कूल में कॉलेज में हु रियली लुक अप टू यू, हु प्रोबेबली वांट टू बी सिंगर्स लाइक यू और या जो भी करना चाहें, बट एक झिझक, एक डर, एक इम्पोस्टर सिंड्रोम बहुत होता है, पर्टिकुलरली आई थिंक इन वुमेन वेयर वी थिंक पता नहीं वेदर वी डिजर्व इट और नॉट और यू नो वेदर कैन वी डू इट. उनको क्या मैसेज दोगे आप? ये मेरा फाइनल. मैं तो ये ख्वाहिश रखती हूँ कि आपका जो शो है सुपर वुमनिया, वो सिर्फ वुमनिया नहीं सुन रहे हैं, वो आदमी लोग भी सुन रहे हैं. मुझे तो कहा जाता था फेमिना जैसे मैगजीन ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लड़कों का है क्योंकि वो घूरना चाहते हैं लड़कियों को. तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हमको ना ये वुमेन्स डे, ये कोटा ऑफ सुपर वुमनिया शो की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए फ्यूचर में आके. तो आज की जो कमिंग जनरेशन है, लड़के या लड़कियाँ, आपसे मुझे बहुत होप मिलता है. आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करोगे, एक दूसरे को प्यार से रखोगे, तो आपकी जो लाइफ है बहुत ज्यादा सुंदर रहेगी. तो मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी को दबा के खुशी कभी नहीं मिल सकती है. तो औरत को भी वो नहीं करना चाहिए, ऐसे एक्सेप्शनल औरत भी हैं. तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हर आदमी मॉन्स्टर नहीं है और हर औरत कोई एंजल या परी नहीं है. हर टाइप के अच्छे खराब मिलते हैं हर साइड से. लेकिन इतना तो औरतों को बोलूंगी कि अपनी अपनी जेब में अपने पैसे हों तो एक अलग टाइप का फ्रीडम और इंडिपेंडेंस रहता है. किसी पे निर्भर कभी मत रहो, छोटा सा भी कुछ कर लो लेकिन अर्न योर ओन मनी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है. और हम तो, मैं तो कहना चाहूंगी कि हम लोग माने ऊंचे ऊंचे एलीट सोसाइटी में औरतों को पढ़ाई बहुत आजकल दिला रहे ताकि दे कैन एक्ट एज बेटर कंपेनियंस, कि अच्छा कॉन्वर्सेशन कर पाए, कुछ कर पाए, लेकिन They don't want them to work. अपना दिमाग नहीं, अपनी इच्छा एक्सरसाइज. तो वो हम अगर बन रहे हैं कुछ ज्यादा पढ़े लिखे या सुंदर या वेल ग्रूम्ड टू प्रोवाइड फॉर द मैन, फिर कुछ बदला नहीं है. अगर आप पढ़ाई कर रहे हो उसका यूटिलाइजेशन करो, अपने पैसे प्लीज कमाओ, छोटा हो या बड़ा हो. और ये भी बहुत दुख की बात है, ये मैसेज वैसेज नहीं है, कि मैंने देखा है जब से मैंने कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ी है टू अभी तक, हमारी अर्बन वर्कफोर्स में स्पेशली सिटीज में, कॉर्पोरेट इंडिया में, औरतों का पार्टिसिपेशन इतना इमीडिएटली घट रहा है कि अभी सिंगल डिजिट्स में आ गया है. हमको लगना चाहिए कि जैसे जैसे आगे जा रहा है इंडिया, और भी ज्यादा औरतें बाहर निकलती हैं, लेकिन हम लोगों ने माहौल भी उतना नहीं बनाया है सपोर्ट का कि औरतें अपनी नौकरी को शुरू करते हैं, लेकिन 30 साल के बाद इतना प्रेशर होता है, फिर बच्चा, फिर घर, सब छोड़ देते हैं. सो वी हैव टू क्रिएट अ मच मोर अकोमोडेटिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि औरतों का पर्सपेक्टिव, चाहे वो एंटरटेनमेंट बिजनेस में क्यों ना हो, सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है. बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फेमिनिन पर्सपेक्टिव है, जो अगर मिसिंग जाएगा तो आपको बहुत रूखा सूखा आइसक्रीम पार्लर मिलेगा, एक ही टाइप का फ्लेवर मिलेगा. एब्सोल्युटली, नो, टोटली अग्री, व्हिच इज व्हाई हमने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट मार्च के उस एक महीने तक नहीं रखा है. वी आर लाइक, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट वुमेन एंड सेलिब्रेट वुमेन, देन यू डू इट एवरी डे, व्हिच इज आल्सो द रीजन व्हाई वी हैव द सुपर वुमनिया शो. एंड व्हाट अ टोटल प्लेजर टू हैव यू ऑन दिस शो, सोना, रियली यू हैव माय हार्ट, और बड़ा मजा आया. थैंक यू सुधी.